बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड द क्रिएटर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है मैन स्क्रीन पर, कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि आपका एग्ज़ाम है ना, तो उस दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप इन्हें जरूर तैयार करके पेपर में जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं लिए हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो यहाँ पर अभी हम 10 ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को, आप शुरू तक एंड तक बने रहिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपका लाइक एक लाइक भी आएगा तो हम आगे आने वाली और भी वीडियो आपके साथ लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, पहला ऑब्जेक्ट हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार सेटिस्फाई। तो इसका जैसे हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है वो सेटिस्फाई करता है कौन सी आपकी कंडीशन को, तो फर्स्ट है टी एक्स वाई इक्वल टू एक्स टी वाई इनवर्स, और सेकंड वाला है टी एक्स एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स कॉमा टी वाई एक्स, ठीक है ना। फिर थर्ड है टी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स कॉमा टी एक्स टी वाई एक्स। तो जब भी हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर टी स्टार की बात की जाती है तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, सी वाला, ठीक है ना। तो आपको यहाँ बात समझ में आई, यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पर, यहाँ पर है, अब पूछ रहे हैं विच इज ट्रू। यहाँ पर चार चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है टी स्टार माइनस वन इक्वल टू टी, तो ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता है क्योंकि टी स्टार इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू टी के बराबर होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसके बराबर होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका कैसा रहेगा, गलत रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन पर, तो दूसरा ऑप्शन है आपका टी स्टार स्टार इक्वल टू टी, जो कि आपकी एक कंडीशन होती है उसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरा हमारा दिया गया है, रियल वैल्यू फंक्शनल पी ऑन ए वेक्टर स्पेस एक्स इज सब एडिटिव इफ़। तो यहाँ पर तीन कंडीशन आपको दी गई हैं, इनमें सब एडिटिव कंडीशन की कौन सी कंडीशन होती है, तो आपको लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो सब एडिटिव में हमारा पी ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई, तो हमारी बी वाली कंडीशन यहाँ पर सही होती है। बात करते हैं चौथे ऑब्जेक्ट पर, यहाँ पर एडजॉइंट ऑपरेटर टी एक्स सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स इज डिफाइन वाई। तो यहाँ पर हमारा इसका भी ऑब्जेक्ट हमारा सही है बी वाला, ठीक है ना। अब है फिफ्थ नंबर का, ओपन वॉल बी जीरो कॉमा वन बाई टू ओपन इंटरवल इज डिफाइन एज। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है पहला एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू वन बाई टू, फिर लेस देन वन बाई टू लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, तो कौन सा होगा लेस देन इक्वल टू वन बाई टू ओपन बाउंड। अब है सिक्स वाला, ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी सच दैट एच बिलोंग्स टू एच ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो अभी हमने देखा है और पहले भी हमने चर्चा कर ली है, तो इसकी बात ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब ये सातवां ऑब्जेक्ट है, हिल्बर्ट स्पेस इज, हिल्बर्ट स्पेस आपकी एक थ्योरम है कि हिल्बर्ट प्रूव दैट हिल्बर्ट स्पेस इज रिफ्लेक्सिव होती है, कि क्या होती है रिफ्लेक्सिव। डिफाइन रिफ्लेक्सिव स्पेस की आप डेफिनेशन पढ़ लेना और ये थ्योरम अवश्य पढ़ लेना, ठीक है ना। थ्योरम दिया है कि प्रूव दैट हिल्बर्ट स्पेस इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब आठवां आपका है, ए सबसेट एम ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स इज सेट टू बी द सेकंड कैटेगरी इफ, पहला है इफ कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज काउंटेबल यूनियन नॉन वेयर डेंस सेट इट कैन बी एक्सप्रेस,
ठीक है, पहला कैन नॉट कैन बी, तीसरा है कैन बी एक्सप्रेस यूनियन ऑफ डेंस सेट, ठीक है, इफ कैन नॉट एक्सप्रेस एज फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट, तो हमारा यहाँ पर होगा डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं नाइन्थ वाला ऑब्जेक्ट, तो आपका इन नया ऑब्जेक्ट है, नाइन्थ वाला ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं वो, ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने बनाया अपनी तरफ से। ये क्या है, हमने एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है, तो आपको इसमें से छांटना है हमारी कौन सी थ्योरम है। तो पढ़ते हैं, इफ़ एक्स एंड वाई आर वनाक स्पेस, दो वनाक स्पेस दी गई हैं एक्स और वाई, ठीक है ना, एंड टी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वाई, टी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वाई, बी कंटिन्यूअस बाउंडेड, जब ये क्या है कंटिन्यूअस है बाउंडेड हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, तो एक्स टू वाई किस में है, एक्स टू वाई में लीनियर, कंटिन्यूअस क्यों, जहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो ये आपकी कौन सी थ्योरम होती है बताइए, ओपन मैपिंग थ्योरम कि क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम कि यूनियन यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम, नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर आपकी थ्योरम होती है ओपन मैपिंग थ्योरम, ठीक है ना। इसमें से आप इस तरीके से स्टेटमेंट जरूर याद करिएगा, हर भी थ्योरम का पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला और नेक्स्ट अंतिम ऑब्जेक्ट विच इज़ ट्रू, ठीक है ना, ये आपका एक ऑर्थोगोनल सेट है, ठीक है ना, उसमें से ये ऑब्जेक्ट बनाया गया है जिसमें प्रूव करना है कि कंडीशन कौन सही है, बताना है इसमें से कि कौन सी कंडीशन सही है। तो पहला वाला इसमें सब प्लस ए गलत है, दूसरा वाला माइनस प्लस ए वाली आपकी कंडीशन यहाँ पर ही सही है, ठीक है ना, तीसरी कंडीशन भी गलत है। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट हो चुके हैं 10 ऑब्जेक्ट। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ साथ आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले आपके और एग्ज़ाम के वीडियो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियो मैं डाल दूंगा। और कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि आपको किस और सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो हम आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। बस आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप इससे जुड़े हैंड रिटन नोट्स चाहते हों तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।